दरों को देखते हुए भारत सरकार द्वारा रियायती दरों पर प्याज का वितरण जन सामान के लिए किया जा रहा है, जिसमें एनसीसीएफ को यहाँ पे रेल एक रैक दिया गया है जिसमें से 804 एमटी प्याज आया हुआ है। इससे इधर के जितने और भी स्टेट्स हैं उनसे उनमें भी प्याज भेजा जाएगा और प्रयास किया जाएगा कि जन सामान्य को अधिक से अधिक सस्ते दरों पे प्याज उपलब्ध हो जाए। कितने दरों में मिलेगा? 35 रुपया प्रति कैसे जाएगा जी? कंज्यूमर कार्ड में कैसे जाएगा? हम लोग यहाँ पे रिटेल वैन घुमाएंगे और उसमें से बैनर लगा रहेगा एनसीसीएफ का और दर लिखा रहेगा और वो मोड़ पे बाजारों में सब जगहों में लगा रहेगा। यहाँ त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर सब जगहों में इससे हमें प्याज भेजना है ताकि सब जगहों पे एक रेट को कंट्रोल किया जा सके। किसने मॉनिटर करेगा मार्केट में जब प्याज जाएगा? अब हम लोगों का एक टीम रहता है जो कि उनको जाके देखते रहते हैं कौन से सेंटर पे, जो सबसे जो भी हमारे रहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर उनसे हम सेंटर लिए रहते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये लगना है और उन सब सेंटरों में हमारा एक स्क्वाड टीम बना रहता है, वो जाके देखते हैं कि है कि नहीं है उनसे और उनका GPS फोटो लेके सारा अपलोड करके हमें अपने मुख्यालय में भेजना पड़ता है। जो दाम बहुत बेसी सेकरण भारत सरकार द्वारा कम मूल्य आमार 35 टका प्याज भारत सरकार लॉन्च कर NCCF 35 টকা দাম। কিমান আনিছে প্রথমবারৰ কাৰণে? এইটো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমাৰ হাফ ৰেক ট্ৰেইন আহিছে, ইয়াতে 804 এমটি আছে। হয় যিমান লাগে সিমান পাব। আমাৰ মানে যিবিলাক ৰেজিষ্টাৰ্ড ভেণ্ডাৰ তেখেতসকলে চক ধৰক কিবা মানে বজাৰ পাব্লিক প্লেচত এইবিলাকত যাই বিক্ৰী কৰিব, তাতে আমাৰ NCCFৰ বেনাৰ লগোৱা থাকিব। NCCF আমি কৰিম মনিটৰ, মানে আমাৰ আণ্ডাৰতে মনিটৰ হ'ব আৰু যিবিলাক বিক্ৰী হ'ব সেইবিলাকত জিঅ'টেক ফটো লগাই আমাক দিব, আমি সেইবিলাক মনিটৰ কৰিম।